नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। किसी ने सच ही कहा कि अगर प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो पत्थर भी पानी में तैर जाते हैं। इतना ही नहीं, इंसान भी भगवान के रूप में पूजे जाने लगते हैं। यही सत्य राजस्थान के सीकर जिले में स्थापित श्री खाटू श्याम जी मंदिर को परिभाषित करता है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित श्री खाटू श्याम जी असल में महाभारत काल में महाबली भीम के पौत्र बरबीक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। कैसे बरबीक बने खाटू श्याम जी? श्री खाटू श्याम बाबा की कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। खाटू श्याम पहले बरबीक महाबली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र के रूप में जाने जाते थे। बाल्यकाल से ही बरबीक बहुत वीर और महान योद्धा था। उसने युद्ध कला का ज्ञान अपनी माता मौरवी तथा भगवान श्री कृष्ण से हासिल किया। भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव से तीन अमोघ बाण प्राप्त कर तीन बाणधारी के नाम से प्रसिद्धि हासिल की। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने के लिए समर्थ था। कौरवों और पांडवों के युद्ध की जानकारी मिलते ही युद्ध में शामिल होने की इच्छा जागी। अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे बरबीक ने हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर तीन बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धर बरबीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बरबीक ने उन्हें वचन देते हुए कहा कि मांगो। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बरबीक ने कहा कि मैं अपना वचन पूरा करूंगा, परंतु अपना वास्तविक रूप दिखाएं। तब श्री कृष्ण ने वास्तविक रूप में आकर शीश दान मांगने का कारण समझाया। बरबीक ने उनसे प्रार्थना की वे युद्ध का परिणाम देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बरबीक के शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने वीर बरबीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम खाटू श्याम नाम से पूजे जाओगे। उनका शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिले में दफनाया गया, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। रूप सिंह चौहान ने करवाया था मंदिर का निर्माण। कहा जाता है कि एक गाय विशेष स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा बहाती थी। बाद में खुदाई के बाद वहां से शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। ब्राह्मण को स्वप्न में खाटू नगर के राजा को वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया। कार्तिक माह के एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया। तब से इस दिन को बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया था। मूर्ति गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित है। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी है, हारे का सहारा नाम से भी जाना जाता है। मौजूदा समय में खाटू के श्री श्याम को कलयुग का अवतार, श्याम सरकार, तीन बाणधारी, शीशदानी, खाटू नरेश नामों से पुकारा जाता है। बाबा को हारने वाले पक्ष का साथ देने का प्रण लेने के कारण आज हारे का सहारा नाम से भी संबोधित किया जाता है। खाटू श्याम बाबा हमेशा मयूर के पंखों की बनी हुई छड़ी पास रखते हैं, इसलिए उन्हें मोर छड़ी वाला भी कहते हैं। सो दोस्तों, यह थी खाटू श्याम मंदिर से जुड़ी जानकारी। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।